वैसे कहते हैं ना वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, बराबर है। पता है मुझे, इसीलिए। हाँ नहीं, मेरा मतलब है ये जो खिड़की की बात की ना मैंने, वो प्रॉब्लम था ना, एक और प्रॉब्लम है। मच्छर, बहुत मच्छर है, तो मैं बंद कर ही देता हूँ। सही बात है डॉक्टर आंटी, अगर मच्छर आ जाएंगे फिर हम सोएंगे कैसे डॉक्टर आंटी? बाबा को मच्छर भगाने दो। हो गया, हो गए। हाँ अब हम सो जाएं। बस एक और चीज, लास्ट। अब क्या है? खिड़की इतनी देर से खुली थी तो उसमें से मच्छर आ गए होंगे ना, तो मच्छरदानी तो लगानी पड़ेगी ना, तो वो लगा देता हूँ। हाँ मुझे तो मच्छरदानी बहुत पसंद है बाबा, ऐसा लगता है एक घर के अंदर एक दूसरा घर है, है ना? हाँ बाबा बिल्कुल टेंट हाउस जैसा लगता है, बहुत मजा आता है बाबा, लगा दो लगा दो। हाँ लगा दूंगा मैं टेंट जैसा लगने वाला मच्छरदानी लगा दे तो बस, दैट्स इट, लास्ट, खत्म। आई एम गोइंग। मैं तुम दोनों का कब से इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि यहाँ बैठे हुए। कल तुम में से किसी को स्कूल या ऑफिस जाना है कि नहीं? जाना है ना मम्मा। सॉरी मम्मा, वो हम ये मॉस्किटो नेट बांध रहे थे इसलिए लेट हो गया। गुड नाइट डॉक्टर आंटी। गुड नाइट सभी। गुड नाइट जीनू दादा भाई। तुम्हें किसी और भाषा में कहना पड़ेगा मुझे। किसी भी भाषा में मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे कब क्या करना है। देखो पाखी, मुझे पता है होली पे मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया है, नशे में था, ऐसे ताने मारना बंद करो प्लीज।
और एक और बात, तुम मेरी बीवी हो, मां बनने की कोशिश मत करो। अच्छा, तो अब तुम्हें पता चल गया कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूं। सभी बड़ा गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। और बड़ा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने बाबा को याद करना, ओके? आवाज लगा देना, आ जाऊंगा। ओके बाबा। बाय बेटू। बाय बाय। मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं, मैं यहां सिर्फ अपने बेटे के लिए आई हूं, वो भी कुछ दिनों के लिए। मस्त मस्त। सुबह सुबह रसोई में चाह बनो तेज, मेरे लिए भी बना, मैं अभी नहा के आती हूँ। सही, तुम चाय बना रही हो, मेरे लिए बना दो ना प्लीज। इसे तुम्हारे हाथ की चाय पिए तो बरसों हो गए, ठीक है मेरे लिए बना देना। अच्छा अम्मी का मिनट, तुम चाय अगर बना ही रही हो ना तो पोहे भी बना दोगी? तुम्हारे पोहों का तो कोई जवाब उत्तर आंसर ही नहीं है। हा? और अच्छे से ना कांदा पोहे बना देना, ठीक है? सोनाली, मैं आती हूँ, पोहा बनाना, चाय भी बनाना। हाँ बाय काकू। अरे सही भाभी, आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो, मोहित के लिए कॉफी भी बना दो ना प्लीज। प्लीज मना मत करना, मोहित लव्स कॉफी एंड पोहा। और आपको तो पता ना उसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, प्लीज बना दो ना। मुझे पता है मना नहीं करोगे, बना दो ना। अब मैं अपना बाकी काम कर लेती हूँ, तब तक थैंक यू। अरे वाह, आज कांदे पोहे बने। चलो खुशबू नहीं आ रही आज। अरे मोहित, अलग सी कहाँ, ये तो जानी पहचानी खुशबू है। आज नाश्ता सई ने बनाया है। तब भी मैं सोचूं, आज तो भाग खुल गए हमारे कि उनके हाथों का खाना खाने मिल रहा है। सही तेरे हाथ के बने कांदे पोहे खाए कितने साल हो गए, आज मजा आने वाला। ओमी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, आज तुम्हारी किस्मत में अपनी बहू के हाथ का बना नाश्ता खाना लिखा है। किस्मत में लिखा है मतलब? अरे अखबार में राशिफल पढ़ रही थी तो वृश्चिक राशि वालों के लिए लिखा है कि छोटों के हाथ से बड़ों की सेवा होगी, और लो हो गई सेवा। अगर आई तेरे बारे में भी पढ़ा मैंने,
कुंभ राशि वालों के लिए लिखा है कि आज उनकी नई शुरुआत होगी और देख तेरी नई शुरुआत हो गई इस घर में। कभी पहले भी तो इस घर का हिस्सा हुआ करती थी और आज दोबारा इस घर का हिस्सा बन चुकी हो। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूं। अरे पता लेकर क्या कर रही हो ये? अनाउंसमेंट, एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट, क्योंकि आजकल आप लोगों का ध्यान तो मुझ पे जाता नहीं, इसलिए मैं आप सभी लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हूं। मैं आप सभी को याद दिला दूं कि विराट चव्हाण की पत्नी और इस घर की बहू मैं हूं। अगर किसी को भी रंगोली बनवानी हो, चाय बनवानी हो, पोहे बनवाने हो, खाना बनवाना हो, करंजी बनवानी हो या कोई भी काम हो तो मुझसे कहे, इस घर की बहू से। किसी बाहर की औरत से नहीं। और तुम कान खोलकर सुन लो, तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान की हैसियत से रह रही हो। इस घर की मालकिन बनने की कोशिश करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। एक बात तुम अच्छी तरीके से सुन लो पत्रलेखा, और अगर हो सके तो उसे समझने की भी कोशिश करो। मैं अच्छी तरीके से जानती हूं कि मैं इस घर में सिर्फ एक मेहमान हूं और मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं, और जितना जोर देके तुम ये बात सबको सुनाना चाहती थी ना, सबको बताना चाहती थी, उतना ही जोर देके मैं भी ये बात सबको बताना चाहती थी। और रही बात यहाँ नाश्ता बनाने की, तो वो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं किचन में मौजूद थी पहले से। घर के हर सदस्य ने आके मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं नाश्ता बना दूं, तो मैंने बना दिया। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं घर का कोई भी काम नहीं करूं, घर के कोई भी लोग मुझे काम करने के लिए नहीं बोले, तो सही जगह पे सही वक्त पे रहना सीख। तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान की हैसियत से रह रही हो। इस घर की मालकिन बनने की कोशिश करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अरे मैडम, मैडम पीछे ट्रैफिक जाम हो गया। मैडम भाव क्या हुआ, जाम क्यों लगा हुआ है? पता नहीं मैडम क्या हुआ, क्या चल रहा है बाहर? मैडम लगता है आगे कोई औरत अपनी गाड़ी आड़ी टेढ़ी लगा के बेहोश पड़ी है। क्या पीछे हटिए। मैम, जानती हूँ ये कमिश्नर संजीव सालस्कर की वाइफ है।
और ये डायबिटिक है मैम। इंसुलिन शॉक, इन्होंने इंसुलिन शॉक लिया होगा और मीडिया ना पहुंचने की वजह से बदन में शॉक में चली गई। मैम मैम, इंसुलिन शॉक नहीं, इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इनको हार्ट अटैक हुआ है। और तुम ये कैसे कह सकते हो? चेहरा देखिए इनका, क्लियरली इनको कोई हार्ट कंडीशन है, एकदम नीला पड़ गया इनका चेहरा। आजकल इंटरनेट पे पढ़कर हर कोई खुद को डॉक्टर समझने लगा है। इस एज में हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वो देखो वहाँ इंसुलिन रखा है, उन्होंने इंसुलिन शॉट लिया होगा और मीठा ना मिलने की वजह से उनकी बॉडी शॉक में है। और यहाँ पर सब तमाशा देख रहे हैं, किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया, प्लीज एम्बुलेंस को फोन करिए। मैंने ऑलरेडी कॉल कर दिया है, थोड़े टाइम में पहुंचती होगी, ऑन द वे। आ गई। डॉक्टर जोशी आप? हाँ जल्दी ना हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। जी जी जी, आराम से आराम से आराम से। बस कहाँ चले आ रहे हो? वोट बॉय है, डॉक्टर है, सबको चलने की जरूरत नहीं है, बारात नहीं लेके जा रहे हैं। चलो बंद करो दरवाजा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.